हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम सब ने ये कहानी तो सुनी है ना कि कभी भी माता रानी के मंदिर या कहीं भी कुछ बहुत अच्छी जगह जाएं तो जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं होता है तब तक लोग वहाँ नहीं जाते हैं, और अगर बुलावा नहीं हुआ तो उनके दर पे जाके भी लौट जाते हैं बिना दर्शन किए। तो इस बार का हमारा ये मंदिर जाने का कहानी कुछ अलग है। हम लोग जा रहे हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये हम उत्तराखंड में है। अभी हम लोग एक्चुअली कणाताल घूमने के लिए आए थे। हम लोग रुके भी हुए थे, हमें जरा भी नहीं आइडिया था कि यहाँ पे कोई शक्तिपीठ भी है। नॉर्मली होटल के लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हार्डली 7 किलोमीटर की दूरी पे एक माता रानी का मंदिर है जो बहुत फेमस है, जिनको हम लोग सुरकंडा देवी कहते हैं। तो हम लोग नाम सुन के हम लोगों ने नेट में थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला कि ये जो हमारे 52 शक्तिपीठ है ना, उसमें से ये भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता रानी का सर गिरा था। यहाँ पे माता रानी का जो मंदिर है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, तो आप लगभग 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे। फिर एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, टिकट काउंटर है। यहाँ से हम लोग टिकट कटा के वो रोप वे के लिए टिकट लेना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग टिकट लेके फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर हम लोग रोप वे से माता रानी के मंदिर तक जाएंगे। वो यहाँ से भी और ऊंचाई पे है, तो बहुत ऊंचाई का होने के कारण रोप वे का लोग यूज करते हैं। अब सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, जिन्हें सीढ़ियों से जाना रहता है वो सीढ़ियों से जाते हैं, बट हम लोग, आप देख सकते हो, हम लोग रोप वे से ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये हिमालय का जो पूरा रेंज है ना, ये हिमालय का मेरे को थोड़ा दर्शन भी करना था, तो इससे अच्छा मौका तो कुछ और नहीं रहता। चलो, मेरी वीडियो के ही जरिए से, चाहे जैसे भी है, हिमालय का नज़ारा, प्रकृति का नज़ारा, नेचर, उसका दर्शन आप भी कर लो। अब हम लोग रोप वे से उतर गए हैं। अब यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, 20 से 25, हार्डली 30 सीढ़ियाँ होंगी, जिसमें हम लोग चढ़ के माता रानी के मंदिर तक जाएंगे। ये जो आप टॉप में बिल्डिंग देख रहे हो ना, जस्ट उसके आगे ही माता रानी का मंदिर है, जहाँ पे माता रानी विराजमान है, तो हमें उनके दर्शन के लिए वहीं पे जाना है। हम पहुंच गए हैं अब टॉप पे, जहाँ पे मंदिर है। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है, यहीं पे सब लाइन लगा के, अभी आप लाइन भी देख रहे हैं, ये जो लंबी लाइन है ना, ये लाइन पे सब खड़े हैं दर्शन के लिए। तो लाइन वन बाई वन वहाँ पे दर्शन होता है, फिर उधर ही से निकल के पीछे से रास्ते से सब बाहर निकलते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग भी लाइन पे लगे हुए हैं, अब हमारा भी नंबर आएगा तो हम भी माता रानी के दर्शन करेंगे। अब अंदर का कोई भी फुटेज हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। माता
माता रानी के दर्शन के बाद हम निकल चले हैं वापसी अपने होटल की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।